बलिया में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है, जिससे पहले सभी अध्यक्ष और सभासद पद के प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में दीपक सिंह शाहनगर पंचायत सहतवार वार्ड नंबर 4 से बीजेपी प्रत्याशी ने अपने वार्ड की तरफ ध्यान आकर्षित कर जनता से विकास का वादा करते हुए वोट की अपील की। और क्या कुछ कहा दीपक सिंह ने, आप भी सुनिए। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं शाहनगर पंचायत सहतवार वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ और फिलहाल वार्ड नंबर 4 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं आप जी, तो एक चीज बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मोटो क्या है, आपका एजेंडा क्या है, किस एजेंडे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से आप क्या कह के आप वोट ले रहे हैं? देखिए, हमारे विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 25 वर्षों से सभासद हैं, लेकिन वार्ड का कुछ भी विकास नहीं हुआ है आज तक। जल निकासी का हाल वही है, लाइट की दशा वही है, आप लोग चाहें तो घूमकर भी देख सकते हैं। सड़कें की दशा वही है, टूटी फूटी सड़कें हैं, और यही हमारा एजेंडा है, इसी के बल पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप वार्ड नंबर 4 का पहचान क्या है, वार्ड नंबर 4 को पहचान किस चीज से है? वार्ड नंबर 4 का पहचान हमारे नगर के सबसे पहले चेयरमैन स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी से उनका पहचान है, झुमक सिंह के बहत्तर से उनका पहचान है, वार्ड नंबर 4 का पहचान है, यही पहचान है। एक चीज बताइए कि आप युवा ही युवाओं के लिए क्या सोच रखे हैं? हमारे जीतने के बाद युवाओं के लिए सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी बनवाऊंगा अपने वार्ड में, जिससे कि ताकि उन लोग बैठ कर आराम से कम पढ़ सके। आपका सवाल दूसरा है कि आप निवासी वार्ड नंबर 1 के हैं और चुनाव वार्ड नंबर 4 में रह रहे हैं, तो क्या क्या लगता है कि आप एक छोड़ करके आप 4 में गए हैं, क्या कारण है? वार्ड 1 और 4 में कोई खास अंतर नहीं है, मेरा घर वार्ड नंबर 1 में है और सारे द्वार वार सब लोग हमारा वार्ड नंबर 4 में है, 4 और 1 सटा हुआ है, और 4 में मैं बहुत लोगों के संपर्क में हूँ, बहुत लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, जितने भी पूर्व प्रत्याशी हैं सारे लोगों का मेरे पास समर्थन है, उन्हीं लोगों के कहने पर, बड़े बुजुर्गों के कहने पर, वार्ड नंबर 4 के सम्मानित जनता के कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 4 से। आपकी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? हमारी चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे चुनाव में वार्ड नंबर 4 की सम्मानित जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, मैं इसी के बल पे, उन लोगों के बल पे चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पूर्व में जो मेंबर थे सभासद हैं तो 5 बार वो रह रहे हैं 20 साल से, तो क्या 20 साल में उन्होंने अपने वार्ड नंबर 4 का कोई विकास काम किया है? ना, विकास तो अपना ही किया है, वार्ड का विकास करते तो देख ही रहे हैं आप, घूमे हैं, लेकिन वो विकास अपना कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों का खाना समय से नहीं बन पाता है, नालियां आप दिखा दीजिए, घूम करके देख लीजिए, बजबजती हुई नालियां है, सड़कें टूटी हुई है, यही विकास है। कल की गर्मी के भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए कल की कहीं नहीं है, आप खुद वार्ड नंबर 4 में घूम लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, जब आप जीतेंगे तो जितनी समस्या बता रहे हैं क्या आप उसका निदान कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है नगर पंचायत सहतवार में भी, सरकार की सारी नीतियां हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है और सारी समस्याओं का हल होगा, हर हाल में होगा। आपकी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी का है, लाइट की है, सड़कें की है, लेकिन सारी व्यवस्था हमारे जीतने के बाद उसको ठीक किया जाएगा। क्या 20 साल से आपकी जल निकासी का समस्या दूर नहीं हो पाया? आप पत्रकार महोदय आ जाएगा। क्या 20 साल से आपकी जल निकासी का समस्या दूर नहीं हो पाया? आप पत्रकार महोदय, आपसे निवेदन है, आप खुद घूम कर देख लीजिए, आपको कहिए तो मैं खुद मौके पर लेकर चलूं, आपको सब समझ में आ जाएगा, आईने की तरफ साफ हो जाएगा। अच्छा, एक चैनल के माध्यम से आप वोटरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से मैं वोटरों को यही संदेश देना चाहता हूं कि उनके कहने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और चुनाव जीतने के बाद पहले वो जितने भी कार्य होंगे सारे कार्य हम लोग अच्छी तरह से करेंगे, जितने भी सरकार के ऊपर से नीतियां आएंगी हर जन जन तक पहुंचाना है, ये हमारा कर्तव्य है। पहले के चुनाव में जो तैयारी चल रही थी, आपके चुनाव में आप कितना अंतर देख रहे हैं? जमीन आसमान का अंतर है, सारे प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी जो थे वो हमको समर्थन दे दिए हैं कि दीपक जी आप चुनाव लड़िए और वार्ड नंबर 4 की सम्मानित जनता को का आप सेवा करिए,
क्या क्या लगता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भाजपा समर्थित आप उम्मीदवार हैं, तो अगर जीत जाएंगे तो आप विकास में क्या क्या विकास आप करेंगे? विकास तो आप देख ही रहे हैं, हमारे पार्टी का हर जन तक पहुंच रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर मिला हो, चाहे आवास मिला हो, चाहे किसान सम्मान निधि मिला हो, हर योजना हर लोगों के पास पहुंच रहा है। जब ये योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है, तो क्या नगर पंचायत की तरफ से क्या आपके वार्ड नंबर 4 का विकास हुआ? नगर पंचायत की तरफ से क्या विकास हुआ? नगर पंचायत की तरफ से भी कुछ विकास नहीं हुआ है, वही पुराना विकास हुआ है, पुराना विकास हुआ है, अभी कुछ नया नहीं हुआ है, वही टूटी फूटी सड़कें सब उसी तरफ सब दिखाई दे रही है। 5 सालों में तो कुछ कार्य ही नहीं हुआ। सभासद महोदय हमारे मालूम नहीं कहाँ सोए थे कि कुछ कार्य ही नहीं करा पाए, और आज चुनाव आया है तो घर घर गली गली घूम रहे हैं। वो भी तो विकास का वादा करते होंगे। विकास का वादा 25 वर्षों में आप देख लीजिए, उनको अगर 25 वर्षों में उन्होंने विकास किए होते, अगर वो किए होते तो उनको गली गली नहीं घूमना पड़ता वोट मांगने के लिए। लेकिन आज उनकी स्थिति ऐसी बन गई है कि हर गली में 5 बार राउंड लगाते हैं, यही उनका असली विकास है, उनको घूमना पड़ा। 20 साल से वो विकास नहीं कर पाए, और आप भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं और भाजपा में भी पदाधिकारी हैं, तो आप कुछ तो विकास किए होंगे। माननीय महाराज जी के निर्देशों पर हम विकास करने वाले कौन होते हैं? माननीय महाराज जी की सारी नीति आ रही है, हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सारी योजना आ रही है जो सरकार को जन जन तक पहुंच रही है, यही सबसे बड़ी विकास है, ये हम ही लोग के द्वारा जा रही है। तो अब संदेश दीजिए, आप वोटरों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं और अपने पार्टी के? मैं अपने नगर पंचायत सांतवार वार्ड नंबर 4 के सम्मानित जनता को सादर प्रणाम करता हूं, और मैं संदेश देना चाहता हूं कि जीतने के बाद सारी कार्य जितने भी उन लोगों का अधूरा कार्य पड़ा है, सारे लोगों का हर कार्य संभव होगा, मदद होगा और किया जाएगा। जय श्री राम, जय भाजपा, जय सम्मान।